हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। चलिए चलते हैं, आज मैं आप लोग को अपना ड्राइंग रूम से मुलाकात करवाऊंगी। चलिए फिर चलते हैं, देख लेते हैं ड्राइंग रूम आप लोग को पसंद आता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेन दरवाज़ा है, ये एंट्रेंस है। ये दरवाज़ा का दोनों साइड में सिंगल सिंगल सोफा रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये दरवाजा का साइड में एक मिट्टी का पॉट रखा हुआ है। उसमें मैं पानी डाल के फूल अपना बगीचा से तोड़ के ला के हर दिन फूल डालकर सजा के रखती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, कॉर्नर में मैं टीवी लगा रखी हूँ और साइड में फिर से गुलदस्ता सब सजा के रखी हूँ। फ्रेंड्स ये सब पॉट सब मैं अपने खुद पेंटिंग कर की हूँ, पेंटिंग करके सब सजा के रखी हूँ। ये सब फैब्रिक पेंट से किया हुआ है। देखिए आप लोग को पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुकी थी पेंटिंग करके। ये सब खुद मैं पेंटिंग की हूँ, अपना ड्राइंग रूम को मैं अपना हाथों से सजाई हूँ। एक खिड़की है, खिड़की में भी मैं फूल सब झुला के रखी हूँ। खिड़की का ऊपर मैं अपना घर का फैमिली फोटो है। इसमें हम लोग का परिवार पूरा परिवार है। खिड़की के नीचे एक बेड पड़ा हुआ है। फिर से साइड में कॉर्नर में डॉल का स्टैंड है। सबसे ऊपर में डॉल रखा हुआ है। सबसे ऊपर में फ्रेंड्स ये मेरा स्वीटी है, बीच में पिंकी है, नीचे में व्हाइटी है, बगल में कुकिंग कंपटीशन में मेरी बच्ची फर्स्ट हुई थी, ये कॉलेज में कंपटीशन हुआ था। बीच में अल्पना में सेकंड हुई थी और बगल में ये एप्पल का पेड़ है। नीचे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डॉगी सब है, जेरी है, बड़ा जेरी है, बगल में हैरी है, ये छोटा जेरी है, बगल में छोटा हैरी है, और साइड में एक और भी प्राइज है, वो मेहंदी डिजाइन में फर्स्ट हुई थी। ये मेरा ग्रीनी है, ये झूला हुआ है, ग्रीनी झूल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक कॉर्नर में डहलिया फूल है, डहलिया फूल का साथ में रोज फूल भी लगा हुआ है। ये गमला में रखी हूँ, मैं गमला में सभी फूल सबको डाल के सजा के रखी हूँ। बड़ा सा गमला पॉट है, दिखने में कितना सुंदर दिखाई देता है फूल सबको। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रोज फ्लावर सब दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप लोग को किस तरह दिखाई देता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।
ये बरंडा का दरवाजा है, बगल में फिर से फूल स्टैंड है। ये भी मैं ये पॉट सबको मैं पेंटिंग की हूँ, ये सब मैं आप लोग को वीडियो में दिखा चुकी हूँ। देखिए ये सब खुद की किया हुआ पेंटिंग सब है। इधर फिर से मेरा सोफा रखा हुआ है, डबल साइज का सोफा है। सोफा का ऊपर फिर गमला पॉट रखी हूँ, उसमें मैं भी फूल सजा के रखी हूँ। ये पॉट भी मैं खुद पेंटिंग की हूँ। ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर ऊपर देख लीजिए, ये पीक हमारा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर तो लाइन चला गया है, इन्वर्टर का लाइट से ये दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोग को धुंधला धुंधला सा दिखाई देता होगा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर से देखिए, कॉर्नर में फूल का स्टैंड है, पॉट गमला है, इसमें मैं फूल सजा के रखी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फूल ग्लेडियस है, ये पॉट में लगा हुआ है, रंग बिरंगी ग्लेडियस का फूल मैं लगा के रखी हूँ। ये बड़ा वाला पॉट है, इसको मैं टांग के रखी हूँ, टांगी हूँ, फिर नीचे से फिर सपोर्ट लगा कर रखी हूँ। बगल में दोनों साइड में ये बोतल रखी हूँ, ये बोतल भी मैं पेंट करके रखी हूँ। ये बोतल पेंटिंग भी आप लोग को मैं वीडियो में शेयर की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैकग्राउंड का सीन है, दोनों साइड में मैं मटकी रखी हूँ। चलिए पास से मैं नज़दीक से आप लोग को मटकी सबको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मटकी मेरा, ये मटकी भी मैं, ये सब मटकी सब मैं पेंटिंग करके सजा के रखी हूँ। ये सब मटकी सबको मैं आप लोग का साथ में वीडियो में शेयर की थी, वीडियो करके दिखाई थी, ये सब वही मटकी सब है। इस तरफ भी रखी हूँ मैं, देखिए मटकी सबको एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। ये सब मैं खुद पेंटिंग की हूँ, देखिए दिखने में सब सुंदर दिखाई देता है। आप लोग को किस तरह दिखाई देता है, पसंद आता है कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। फिर से देखिए, कॉर्नर में एक पॉट लगा हुआ है, ये पॉट भी डिजाइन किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है, उसमें में भी ग्लेडियस का फूल लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, वो छोटा वाला मटकी सब को मैं फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ, अंधेरे का वजह से आप लोग ठीक तरह से देखे नहीं होंगे, इसलिए फिर से दिखा दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, ये सब मैं खुद पेंटिंग की हूँ। ये सब छोटा छोटा मटकी सब घर पर पड़ा था, ये सबको मैं पेंट करके सजा के रखी हूँ। ये टीवी का नीचे सब रखी हूँ। आप लोग को ये मटकी सब
कैसा दिखाई देता है, कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, मैं फिर से आप लोग को मेरा घर का ड्राइंग रूम का सीन को दिखा दे रही हूँ। आप लोग को किस तरह लग रहा है, पसंद आता है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइए। और हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से और एक सीन के साथ में मिलते हैं। ओके, बाय।